राम धनी तो, थोड़े जोर से राम धनी तो, आज ये बताना चाह रहे हैं कि द्वारिकाधीश कहने लगे, मित्र ये बताओ इतने दिन क्यों लगा दिए, आते आने में टाइम क्यों लग गया। वो कहने लगे, सरकार बड़ी दूर नगरी बसा ली आपने, आप बहुत दूर आकर के बस गए हो भगवान, आप बताइए ना। ये कहने लगे, अच्छा ये बताओ तुम बनना चाह रहे थे क्या, तुम ये सोच रहे थे, ये विचार करते हैं। बोले ये बताओ तुम ये सोच रहे थे, तुम कहते थे हमसे, ए बेटा बेटा हल्ला नहीं करो, धूम है, वो अपना काम कर रहे, अपन अपना करते रहो। राम धनी तो आज मालूम द्वारिकाधीश कहने लगे, मित्र तुम क्या चाह रहे थे, मित्र तुमने क्या बोला था, तुम बोलते थे कि हम शादी नहीं करवाएंगे, विवाह नहीं करवाएंगे, हम तो जाएंगे और बड़े आनंद से रहेंगे, हम ऐसे ही जीवन व्यतीत करेंगे, तो बताओ मित्र तुमने शादी करवाई कि नहीं करवाई। सुदामा जी कहने लगे, मित्र शादी करवाने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन पढ़ करके हम वापस गए तो माता पिता ने पकड़ा और हमारी जल्दी से शादी करवा दी, और जल्दी जल्दी शादी हमारी हो गई, और तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है। कन्हैया कहने लगे, ओहो मतलब भाभी है, बोले हाँ। कन्हैया कहने लगे, जब भाभी है तो भाभी ने कुछ ना कुछ जरूर भेजा होगा, कुछ ना कुछ भेजा होगा, क्योंकि भाभी होती है कौन, माँ। एक दिन बताया था मैंने कि 16 माताओं में भाभी भी माँ में आती है, तो भाभी होती है माँ, और माँ के लिए बरहमेश अपने बच्चे के भोजन की चिंता होती है, बरहमेश माँ अपने बच्चे के भोजन की चिंता करती है। आप देखना, अगर हफ्ता 15 दिन कहीं बाहर रखो रह लो और फिर लौट करके घर में आओ, तो भाई कहेगा कब तक के लिए आए, पिता कहेगा कहाँ से आए, पत्नी कहेगी कितना लाए, लेकिन माँ कहेगी बेटा कुछ खा पी के आए कि भूखे चले आए, क्योंकि माँ को बरहमेश बच्चे के भोजन की चिंता होती है। हाँ, माँ की नजर बरहमेश अपने बच्चा के पेट पर होती है, कहाँ होती, हाँ माँ की नजर होती है बच्चा के पेट पर, और पत्नी की नजर कहाँ होती है, पति की। राम धनी तो हाँ बाय नहीं, अपने ते नहीं, अपने ना तो सही है, डकार सी आए गई सुन ली है। हाँ ना, पति पत्नी की नजर होती है कहाँ जे, पर तुम 60 टांगो 500 को गाओ। राम धनी तो अमन बाय रही, अपने तो नहीं, अपने ना है तो सब सही है रे, राम राम इतने की गाय खुले नहीं। मालूम ये कहने लगे, जब भाभी है और माँ है तो जरूर भाभी ने कुछ ना कुछ हमारे लिए भेजा होगा, बताओ क्या भेजा भाभी ने, क्या भेजा। वो कहने लगे, सरकार क्या बताएं, अब इनने सोचा इतनी बड़ बड़ी राजकन्याओं के सामने, रानियों के सामने, हम कहाँ ये फटी सी पूटरी टूटे से चावल निकाले, कहाँ हम ये बताएं कि ये चावल है। कहने लगे, कन्हैया तुम्हें वो बात याद है, बोले कौन सी, बोले वो बात आपके लिए याद है, अपन गुरुजी के यहाँ पर पढ़ा करते थे, सांदीपनी जी पढ़ाते थे, कितने अच्छे गुरुजी थे। कन्हैया कहने लगे, बिल्कुल बिल्कुल हमें वो बात याद है, वो बात याद है, हमें तो ये बताओ भाभी ने आखिर क्या भेजा। अब ये कहने लगे, ये थोड़ी भूलेंगे, करे सुदामा जी कहने लगे, मित्र ये बताओ एक बार की बात याद है, अपन संविधाएं लेने जाते थे, गुरुजी हवन करते थे, एक बार गए थे, पानी गिरने लगा, अपन लोग फंस गए थे, खबर है। कन्हैया कहने लगे, हाँ हमें याद है, अपन जाया करते थे और संविधाएं लाते थे, गुरुजी हवन किया करते थे, और एक बार अपन फंस गए थे, पानी गिरा, पेड़ पर बैठे थे, ठंडी में जो है अपन पेड़ पर बैठे थे, पानी गिरने लगा, गुरु माता ने रखे थे चने, तुमने वो खा लिए, और हमने पूछा कि आवाज कैसी आ रही, तो तुमने बोल दिया ठंड से दांत किटकिटा रहे। तो ये बताओ उस समय तो तुमने चने खा लिए थे, अब हमें बताओ कि भाभी ने आखिर क्या भेजा, क्या भेजा।
वो कहने लगे ये नहीं मानेंगे। सुदामा जी पोटनी दबाते जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते राजन इस झांकी का दर्शन करना, इस झांकी का दर्शन करना। आज ये पोटनी दबाते जा रहे थे, इतने में सुखदेव जी कहते कन्हैया ने इनका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके और वो पोटनी निकाली, पोटनी खोल करके एक मुट्ठी चावल खाए, सुदामा को एक लोक का सुख देते हैं। दूसरी मुट्ठी चावल खाए, सुदामा जी के लिए दूसरे लोक का सुख देते हैं। तीसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे, इतने में तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे, इतने में रुक्मणी सत्यभामा ने हाथ पकड़ लिया, सरकार क्या हमें भी वहीं पर भेज दोगे? कन्हैया कहने लगे क्यों? बोले ये बताओ जब तीनों लोगों की संपत्ति उनको दे दोगे तो हम लोगों को भी वहीं जाना पड़ेगा क्या? आप रुक जाओ ना। कन्हैया कहने लगे सुनो हम अपने भक्त को सब देना चाहते हैं। बोले तो सरकार और भी तुम्हारे भक्त हैं? ये कहने लगे कि हम अपने भक्त को सब कुछ देना चाहते हैं। और याद रखना भगवान अपने भक्त को सदैव खड़े रहते हैं, सब कुछ देने को खड़े रहते हैं। दो मुट्ठी चावल के बदले दो ही लोग गाय, दो मुट्ठी चावलों में दो लोगों की संपत्ति दे दी। बस एक बार उनके बनकर तो देखो। आज सुदामा जी के लिए हाथ में कुछ दिया नहीं और सुदामा जी ने हाथ में कुछ मांगा नहीं। सुदामा जी ने रात्रि विश्राम किया, कन्हैया ने बड़े आनंद से रखा। सुबह सुबह सुदामा जी उठे और कहने लगे मित्र अब हमारे लिए गरीब ब्राह्मणी की याद आने लगी है, गरीब ब्राह्मणी की याद आ रही है, घर जाना चाहते हैं। वो कहने लगे अच्छा घर जाना चाहते हो? बोले हाँ। अच्छा देखना सुदामा जी ने हाथ में कुछ लिया नहीं, मांगा नहीं और द्वारिकाधीश ने उनके हाथ में कुछ दिया नहीं, कुछ नहीं दिया। सुखदेव जी कहते राजन सुदामा जी वहां से चलने लगे। कन्हैया ने कहा मित्र आते जाते रहना। भगवान से सुदामा जी कहने लगे मित्र आते जाते तो रहेंगे लेकिन एक निवेदन है, कलयुग में कोई इतना आपके दरवाजे पर नहीं आ पाएगा प्रभु, आप भी थोड़े आते जाते रहना, आपने नगर दूर बसा लिया है। और सुदामा जी वहां से गए। जब जाने लगे तो किसी ने सुदामा जी से रास्ते में पूछा। सुदामा जी से कहने लगे भगवान हमें ये बताओ, हमें ये बताओ सुदामा जी तुम बोल रहे थे कि हमारे मित्र हैं द्वारिकाधीश, बेटा आगे बैठे जी दो चार जन हल्ला ने करो बेटा दिक्कत हुए घरे चली जा। हाँ अच्छे घरे सोइयो हल्ला दियो कुलांटी खाइयो एक आज जन तना बड़ी व्यर्थ जाए जी ने माने हैं भी है ना बेदे बेदे कर दी जे तीन है उन्हें अलग अलग कर दी। अब अपने दोस्ती ने भाव नहीं घोड़ा बिल्कुल राम धनी तो थोड़े जोर से धीरे बोल रहा है राम धनी तो। आज सुदामा जी से किसी ने पूछा। सुदामा जी कहने लगे हमें ये बताओ, सुदामा जी से किसी ने पूछा बोले सरकार ये बताओ तुमने कन्हैया से कुछ मांगा नहीं और उनने हाथ में दिया नहीं, तुम बोल रहे कि हमारे मित्र हैं फिर उनने दिया क्यों नहीं? सुदामा जी कहने लगे मालूम कन्हैया हमें कितना चाहते हैं? बोले बताओ कुछ नहीं दिया फिर भी बोल रहे हो कि चाहते हैं? बोले हाँ चाहते हैं। बोले कैसे? बोले सुनो उन्होंने हमें इसलिए नहीं दिया, अगर कुछ भी दे देते एक जोड़ी कपड़ा भी दे देते हम अच्छे से कपड़ा पहन करके जाते और रास्ते में कोई चोर मिल जाता डकैत मिल जाता हमारे अच्छे कपड़े देख करके समझता ये धनवान है हमें पकड़ता और जब हमारे पास संपत्ति नहीं निकलती तो वो हमारे लिए दंडित करता। सो देखो हमारे कन्हैया कितना चाहते हैं हमारे लिए कि उन्हें एक जोड़ी कपड़े तक नहीं दिए। धन्य है वो मित्र, धन्य है वो मित्रता। मित्र हो तो ऐसे होने चाहिए, मित्र ऐसे हो जो दूसरे मित्र में कभी दोष ना देखें, मित्र ऐसे हो मित्र वही जो विपत्ति परे को, ये है मित्रता। एक मित्र ऐसा है जिसके यहाँ पर खाने को सुबह है तो शाम को नहीं और शाम को है तो सुबह नहीं, और एक मित्र ऐसा है जो सोने के बर्तनों में चांदी की कटोरियों में बैठ करके भोजन करता है लेकिन उस
संपत्ति वाले मित्र ने उस गरीब मित्र के लिए सोने की सिंहासन पर बिठाया, और जब वह गरीब मित्र वापस आया उसके लिए एक जोड़ी कपड़े तक नहीं हाथ में दिए, एक फूटी कोड़ी हाथ में नहीं दी, फिर भी वो मित्र अपने मित्र की प्रशंसा करता है, बुराई नहीं करता। यानी स्वार्थ की मित्रता नहीं है, संपत्ति देख करके मित्रता नहीं है। मित्र वही जो विपत्ति परे को, मित्र वही है जो विपत्ति में साथ है। आज ये कहते हैं कि भगवान हमें इतना चाहते, सुदामा जी लौट करके आए तो सुदामा मंदिर देखे डरे कि यहाँ तो हती मेरी टूटी सी झोपड़िया पे कंचन मेहले खड़े। सुदामा मंदिर देखे डरे, सुदामा जी आए, उनने अपने नगर में देखा यहाँ तो बड़े बड़े महल खड़े हैं। सुदामा जी ने देखा, सुदामा कहने लगे देखो मैंने कहा था सुशीला से कि मत भेजो, आया होगा कोई सेठ साहूकार, गरीब ब्राह्मणी को भगा दिया होगा, जगह पर कब्जा कर लिया, बना दी अपनी हवेली, मेरी गरीब ब्राह्मणी कहाँ तड़प रही होगी, छोटे छोटे बच्चे कहाँ पर तड़प रहे होंगे। मैंने कई बार रोका था मत भेजो सुशीला, लेकिन नहीं मानी, और देखो किसी ने कब्जा कर लिया, अपना महल बना लिया। द्वारपालों से कहने लगे भैया ये बताओ ये किसका महल है। द्वारपाल कहने लगे सुनो यह महल सुदामा जी का है। सुदामा जी कहने लगे अच्छा मेरा महल, भाई मेरा तो हो ही नहीं सकता, मैं तो नितांत गरीब, लेकिन ये बताओ सुदामा नाम बता रहे, अच्छा ये बताओ तुम्हारे सुदामा जी कहाँ गए। बोले वो द्वारिका गए हैं। द्वारिका तो मैं गया था लेकिन मेरा महल नहीं हो सकता, होगा कोई पैसे वाला, होगा कोई संपत्ति वाला। भाई धनकों का धनकों से मेल होता है, पैसे वाले एक दूसरे से मिलते जुलते रहते, सुबह जाते होंगे शाम को आ जाते होंगे, तो बोले होगा कोई सेठ साहूकार। इतने में उन्हें कहा ये बताओ तुम्हारे मित्र देखने में तुम्हारे सेठ सुदामा लगते कैसे हैं। बोले हमारे सेठ सुदामा जी को हमने नहीं देखा। बोले तो किसने देखा। बोले हमें तो सेठानी जी ने बुलवाया था, हमने आज तक सेठ जी को नहीं देखा। बोले तो लाओ बुलाओ अपनी सेठानी जी को। अंदर से सुशीला आई, सुशीला के यहाँ तो संपत्ति आ गई थी, चाल ढाल बदल गई थी। सुशीला जी आई और ज्यों ही इन्हें सुदामा जी ने देखा, सुशीला अनेक अनेक प्रकार के गहने पहने खड़ी थी। सुदामा जी कहने लगे सुशीला तुम। बोले हाँ हम लेटे तो खाली पेट थे लेकिन जब सुबह उठे तो हमारे पास संपत्ति आ गई। सुदामा जी कहने लगे ओहो मतलब उस लीलाधारी ने लीला दिखा दी, उस लीलाधारी ने लीला दिखा दी, बताओ तो। सुदामा कहने लगे सुशीला तुमने मुझे भक्त से और मजदूर बना दिया, बताओ हमने भक्ति की उड़ने हमें संपत्ति दे दी तो हम भक्त नहीं मजदूर हो गए। इसीलिए सुदामा जी कहते सुशीला हमने कहा था मत भेजो, हमें नहीं जाना था, तुम नहीं मानी, आज तुमने हमारे लिए भक्त से मजदूर बना दिया, आज तुमने हमें भक्त से मजदूर बना दिया, हमें ऐसी संपत्ति में नहीं रहना, हम चले।